Asalaamu as Alaikum and welcome to another program in the brand new series of Debate with me, Mehreen Khan. show debate. And this week we have some special guests, as always, the ke guests. And we have firstly Kiran Fulton, who's a former producer of documentaries. She has produced and hosted the highly acclaimed Kiran and George Morning Show. और वो आजकल कंसंट्रेट कॉन्सनट्रेट कर रही हैं अपने ऑफ कैमरा करियर पर दैन वी हैव फैसल कुरैशी आप सब जानते हैं फैसल को वो अपना प्रोग्राम हेड करते हैं समा पे ही इज़ अ वेरी वेल रिकगनाइज टेलीविजन पर्सनैलिटी और आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं नादिया अब्दुल्ला एंड शीश फ्रम सर सैद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज वो कर रही हैं बी ए साइकोलॉजी में और नादिया एक बहुत ही मानी हुई डिबेटर हैं उन्होंने काफ़ी प्राइजेस जीते हैं कराची में भी और पाकिस्तान में भी अपनी स्पीचेस के लिए एंड इवन फॉर एक्सटेम्पोर स्पीकिंग एंड फाइनली वी हैव शेर मोहम्मद अलवी And he is at the Dada Boy Institute of Higher Education. Was student here, MBA Let's give them all a warm hand. <laughs> and this program has Hamari live studio audience. And today we have the wonderful students from Dada Boy Institute of Higher Education. Let me welcome you all. नाजरीन आज की करारदादा है इस ऐवान की राय में तालीमी इदारों को सियासत से पाक होना चाहिए दिस हेस पिलीव दट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी फ्री फ्रामिटिक्स ना दिया ग्रीन टीम और वो करारदादादा के फेवर में अपने दलाइल पेश करेंगी जनाबे वाला तालीम इंसान को बहादुर बनाती है सच बोलना सिखाती है मेहनत और जद्दहद पर उकसाती है दरसगाहें ताली इदारे दानिश का गहवारा होते हैं जहाँ हमारी पोशीदा सलाहियतों को उभारा जाता है तो ऐसी जगहों में सियासत जैसी चीज का क्या काम है जो इसके बिल्कुल उलट है क्योंकि सियासत ने तो हमेशा इंसानों को आपस में लड़वाया है रिश्ते नातों के दरमियान नफ़रतों के बीज बोए बाप बेटा आपस में दस्तो गरेबाँ हुए और बिलाखिर हम जवाल पजीर हो गए दुनिया में मोहब्बत खत्म हुई अमन नापैद हुआ और आज अगर हम माशरे की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि तालीम तो रूहानियत है लेकिन सियासत निरी मादियत परस्ती है और तारीख गवाह है कि जब भी दानिश की जगह मादियत परस्ती लेती है वहां तबाही तबाहियों बर्बादी आ जाती है थैंक यू वेरी मच नादिया दैट वाज अ स्ट्रांग स्टार्ट टू द डिबेट और अब हम चलेंगे शेर मोहम्मद अलवी की तरफ जो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे रेड टीम के लिए जो इस करारदाद के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रही है देखिए सियासत को अगर कोई गुंडागर्दी दहशतगर्दी और कत्लो हरा समझता है तो ये सियासत ना ऑफ कैंपस होनी चाहिए ना ऑन कैंपस होनी चाहिए ये तो ऐसा एक नासूर है जिसे मुआफिया से नापेद होना चाहिए ये तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर नाहमवार के इलाज की तरफ जाना है अगर वो अगर वो मुत और ग्रोहों को एक काबिल अमल हलफ लेकर जाना है तफीम के जरिए तो ऐसी जरूर होनी चाहिए ऑफ कैंपस भी होनी चाहिए ऑन कैम्पस भी होनी चाहिए तो,

नहीं ये नहीं होनी चाहिए लेट्स लुक द फैक्ट्स द फैक्ट्स आर कि देर इज वायलेंस वे देर इज़ पॉलिटिक्स इन द यूनिवर्सिटी द फैक्ट्स आर कि जब एक बुशरा जैदी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जो हुआ था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स थे बहुत सारा तसादम था और उसमें ना सिर्फ जाने गई थी बट पीपल वर इंजर्ड वर लॉट्स ऑफ थिंग्स तो किस कीमत पर आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स चाहिए किस कीमत पर किसी की जान की कीमत पर वायलेंस की कीमत पर या आई मीन करिकुलम पे तो हम आते नहीं है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ तालीमी इदारा वहाँ आपने आपको तालीम चाहिए राइट यू वॉन्ट एजुकेशन यू वॉन्ट टू प्रॉस्पर यू वॉन्ट टू ग्रो आपको अपने करियर्स को आगे बढ़ाना है आपका करिकुलम बार बार पीछे हो रहा है क्यों क्योंकि हड्डे चल रहे हैं प्रॉब्लम्स हो रही है कॉलेज बंद है यूनिवर्सिटी बंद है एक एक साल पीछे जा रहे हैं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो किस कॉस्ट पर है? देखते हैं फैसल कुरैशी Uh, किस तरह से आपका जवाब देते हैं फैसल यू हैव मिनट्स टू एडवांस द द द केस फॉर रेड टीम इज अगेंस्ट मोशन जिस सियासत की बात अब तक उस तरफ से आई वो असल में सियासत नहीं वो साजिश है साजिश के खिलाफ जैसे शेर ने कहा हम भी हैं लेकिन सियासत के खिलाफ तो आप सब बोलते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपको जमहूरियत चाहिए आप करते हैं कि सियासत असम्बली में चाहिए आप कहते हैं कि एजुकेशन का काम जो है वो प्रोस्पेरिटी बेटर फ्यूचर प्रोग्रेस वगैरह ये शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे कि मेरी दानस में और डिक्शनरी में भी सियासत जो लफ्स है उसका ताल्लुक इज्तमाहीत से है इनफरादियत से नहीं है ये तालीम जो सिखाती है एक फ़र्द की प्रोग्रेस सिखाती है जब तक वो मिल के काम नहीं करेंगे तो कौम की बेहतरी नहीं होगी और अगर आप सियासत में नहीं आएंगे तो ये रियासत चलाएगा कौन तो आइए चलते हैं अपनी ऑडियंस की राय मालूम करते हैं फैसल से सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि सियासत होनी चाहिए तो आपने फिर ये कहा कि सियासत सीखनी चाहिए तो क्या आपके उन तली इदारों में सियासत सिखाई जा रही है और अगर नहीं सिखाई जा रही तो ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा इस वक्त बल्कि एक अरसे से नहीं सिखाई जा रही और जो आपने बाद में सवाल किया ऐसी सियासत का फ़ायदा क्या तो फ़ायदा तो तब होगा जब सिखाई जाएगी और सिखाई नहीं जा रही उसी की वजह से अगर आप देखें तो एक अरसा दराज से हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं पनप सकी आती जाती रही और जब आती है तो जम नहीं पाती जिस ज़माने में सिखाई जाती थी तारीख गवाह है कि जमूियत भी हमारे यहाँ ठहरती थी और लोगों का ख्याल भी होता था सियासत सही से होती थी जरूरत इस बात की है कि सियासत सही से सिखाई जाए वो कौन सिखाएगा कैसे सिखाई जाएगी वो एक बिल्कुल अलग है। हमारी एज यूथ है इमोशनल एज है तो क्या आप हमें ये बता सकती है ऐसी कौन सी एज है जिसमें हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं और कहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स के लिए तालीमी इदारा ही को क्यों आप एक आ, एक रूट बनाए एक सोर्स बनाए पॉलिटिक्स का फॉर मी जब आपके पास इतने सारे एवेन्यू हैं दिस इज़ द एज ऑफ टेलीविजन दिस 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 इज़ 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 द द द द एज 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 ऑफ ऑफ इंटरनेट ब्लॉग्स आप बहुत सारे फॉरम में इकट्ठा होकर आप बात कर सकते हैं आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं यूज दैट नाजरीन दोनों टीम्स ने अब अपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर दिए हैं तो आइए ऑडियंस स्टूडियो ऑडियंस से पूछते हैं कि उनको kis team ne mutasir audience get ready to vote if you still agree with the motion raise the iski politics siyasat nahi honi chahiye campus pe green cards please aur agar wo honi campus red cards okay i think that's pretty decisive red team congratulations you're the winners